हेलो स्टूडेंट्स, डीबीएमएस के सब्जेक्ट में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन एंड एग्रीगेशन। सो हियर वी स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मींस इट इज अ प्रोसेस। जनरलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स, ठीक है, हम जानते हैं व्हाट आर एंटिटीज। एंटिटीज आर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। सो एंटिटीज की जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, कैसे एट्रीब्यूट्स, कॉमन एट्रीब्यूट्स। एंटिटीज के जितने कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं उन कॉमन एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके हम एक सिंगल बिगर एंटिटी बनाते हैं, दैट इज जनरलाइजेशन। मतलब हम उन कॉमन एट्रीब्यूट्स को जनरलाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा सबसे पहली बात, इट इज अ बॉटम अप अप्रोच। व्हाट इज बॉटम अप अप्रोच? हम स्टार्ट करेंगे बॉटम से, देन हम अप करके जनरलाइज करते जाएंगे एंटिटीज को। सो मैंने फॉर एग्जाम्पल थ्री एंटिटीज लिए हैं यहाँ पे, एम्प्लॉय। एंटिटी को हम बेड टेबल बॉक्स में शो करते हैं, एम्प्लॉय। फैकल्टी, हम इसमें बॉटम से अप अप्रोच करते जाते हैं। बॉटम में हमने जितनी सब
क्लास, ठीक, सब एंटिटीज या सब क्लास उसके जितने कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं उनको लेके एक रिलेशनशिप। अब हमको भी सुपर एंटिटी सुपर क्लास बनाना है या इन सारे सब एंटिटीज में से कोई बिगर एंटिटी बनानी है तो उसके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना भी जरूरी है। एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे और इन सारी एंटिटीज में से इन सारी एंटिटीज के कॉमन एट्रीब्यूट्स को लेके एक न्यू एंटिटी बनाएंगे और उस न्यू एंटिटी में उस कॉमन एट्रीब्यूट्स को लिख देंगे। लेकिन जब हमने यहाँ पे एक कॉमन एट्रीब्यूट्स को शो कर दिया है इस न्यू एंटिटी में तो यहाँ पे कॉमन एट्रीब्यूट्स का क्या होगा? One entity is author,
दोनों के बीच का रिलेशनशिप है कि ऑथर ने बुक राइट किया है। सो हम यहाँ पे सबसे पहली बात ये देखते हैं कि ऑथर जो है वो तब तक ऑथर नहीं हो सकता जब तक उसने कोई बुक राइट नहीं करी है, और बुक तब तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती जब तक कोई ऑथर उसको राइट ना करे। करेक्ट, बुक जब तक कोई ऑथर उसको राइट ना करे तब तक वो बुक एग्जिस्ट नहीं करेगी, और ऑथर तब तक ऑथर नहीं होगा जब तक वो बुक ना लिखे। तो कहने का मतलब है बुक और ऑथर ये दोनों एंटिटीज अपने आप में अगर हम इस रिलेशनशिप को शो ना करें तो ये सिंगल एंटिटी इनफ नहीं है इस रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो कोई ऐसी एंटिटी होती है जो सिंगली खुद अकेले इनफ नहीं होती अकेले उस रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए। ये जो रिलेशनशिप बीच में इसको डिफाइन होगी अकेले नहीं कर सकती, इस केस में मतलब ये इसके बिना नहीं हो सकता, ये इसके बिना नहीं हो सकता। जब ऐसे एंटिटी सेट हम को मिलते हैं विद दिस रिलेशनशिप तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको एक कंप्लीट एंटिटी कंसिडर करते हैं। मीन्स ये पूरा दोनों एंटिटी विद रिलेशनशिप मिला के बनेगा एक सिंगल एंटिटी, और इस सिंगल एंटिटी के साथ बनेगा नेक्स्ट जो भी रिलेशन बनेगा वो इसको एज अ सिंगल एंटिटी कंसिडर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बुक और ऑथर की बात हुई है तो हम यहाँ पे रिलेशनशिप क्या लेते हैं, पब्लिश बाय पब्लिश बाय रिलेशन बना लेते हैं। पब्लिश बाय कौन, पब्लिशर। ठीक, यहाँ पे रिलेशन कौन था, मेनी टू मेनी था, कि एक ऑथर जो है वो मल्टीपल बुक्स लिख सकते हैं और एक बुक को मल्टीपल ऑथर्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप स्टार्ट हो रहा है इनके बीच में, बट इन पूरे को पूरे को एज वन एंटिटी एज एन सिंगल एंटिटी काम करते थे, एक नया रिलेशन एस्टैब्लिश किया पब्लिशर के साथ, पब्लिशर के पहले बने। सो जब तक हम ये जो प्रोसेस है जो हम एक से ज्यादा एंटिटीज को विद देयर रिलेशनशिप सिंगल एंटिटी कंसिडर करते हैं, ये जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज एग्रीगेशन। ठीक, सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एग्रीगेशन। और यहाँ पे एक चीज है पब्लिशर, यहाँ पे क्या मतलब यहाँ पे ट्रांसलेट कैसे कि पब्लिशर है वो पब्लिश कर रहा है एक बुक जो कि लिखी गई है ऑथर के द्वारा। ठीक, इसको इंग्लिश में बोल दो पब्लिशर पब्लिशर्स अ बुक रिटन बाय ऑथर। यहाँ पे ऑथर बुक को डिफाइन कर रहा है, बुक ऑथर को डिफाइन कर रहा है, और इस केस में हम क्या करते हैं एग्रीगेट करते हैं। एग्रीगेट करना मतलब कंबाइन करना, एंटिटीज को आपस में कंबाइन करके एक सिंगल एंटिटी कंसीडर करना। अच्छा, मैंने एक लाइन बोली थी रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप, तो क्या हुआ इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड होता है रिलेशन में एग्रीगेट करते वक्त, तो इसी रिलेशनशिप के साथ हमें नया रिलेशनशिप कंसीडर करना, मतलब इसी रिलेशनशिप के बेसिस पे, इसी रिलेशनशिप के बेसिस पे ये दोनों एंटिटीज कनेक्ट हुए तो ये रिलेशनशिप बना है दोनों एंटिटीज के बीच में। इसी रिलेशनशिप के बेसिस पे हम एक नया रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, इसीलिए हम एग्रीगेशन में कहते हैं रिलेशनशिप्स बिटवीन रिलेशनशिप। सो वहां पे इस प्रोसेस को बोलते हैं एग्रीगेट करना। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जब कोई सिंगल एंटिटी इनफ नहीं होती उस रिलेशनशिप को अकेले डिफाइन करने के लिए सिंगल हैंडेड, तो उस वक्त दो एंटिटीज उस रिलेशनशिप से जुड़ी है उनको हम एग्रीगेट करते हैं, कंबाइन करते हैं और कंसिडर करते हैं एज अ सिंगल एंटिटी। और उसके बाद इस रिलेशनशिप की वजह से जो ये एंटिटीज बनी, ये सिंगल एंटिटी बन पाया है, इस रिलेशनशिप के साथ नया रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं इसी सिंगल एंटिटी के साथ। तो हमने ये एंटिटी को सिंगल एंटिटी कंसिडर करके आगे बढ़ाया है, उसी को बोलते हैं हम एग्रीगेट करना। जनरलाइजेशन देखा हमने, जब हम सब क्लास या सब एंटिटीज को कंबाइन करके एक सुपर क्लास या बिगर एंटिटी में कन्वर्ट करते हैं सारे के कॉमन एटीट्यूड्स को लेके। और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में हमने देखा कि हमारे पास जो एंटिटी है उसको हम स्पेशलाइज करेंगे
और सब एंटिटी या सब क्लास में कन्वर्ट करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर जनरेशन स्पेशलाइजेशन एंड एजुकेशन. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सम मोर इंटरेस्टिंग.